बाल खूबसूरत रहनी चाहिए, सबको ये लगता है, बट बाल तो बहुत झड़ते हैं यार, कैसे ठीक रखूँ? और ठीक इसको टेक केयर करने का टाइम भी नहीं मिलता, सर्दियों में कितना बाल झड़ते हैं यार। लंबे बाल रखने में कितना टाइम जाता है। इन सब बातों के लिए अभी किसी के पास टाइम नहीं है। आपको समझनी है कि टाइम कम में आप आपके बालों की देखभाल कैसे कर सकते हो, और लंबे बाल रखने के लिए टाइम स्पेंड करने की आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना बाल के, आपके हेयर्स का जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको समझदारी से चूज़ करो। बस पहली तो बात है ऑयल, जो आपको ठीक तरीके से लगानी है, और कौन सी ऑयल लगानी है ये डिसाइड करना है पहले। और नंबर 2 शैम्पू, ये दोनों बाल की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जिसको आप यूज़ कर रहे हो वो कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करनी है वो समझदारी से चूज़ करनी है। बस सारे झंझट हाफ ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। और लंबे बाल मेंटेन की कितनी प्रॉब्लम है ये किसी से कहनी नहीं पड़ती। सो चलिए वीडियो देखिए दोस्तों। ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके हेयर शैम्पू के लिए है, चूज़ करने के लिए। अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो शैम्पू बदलो, ऑयल बदलो। बालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है वो कौन कौन सी होती है? माँ और बड़े जो होते हैं घर के, सब लोग क्या बोलते हैं? मेथी खाओ, मेथी खाओ, मेथी का जो तेल है उसको लगाओ, मेथी खाओ, बाल अच्छे बनेंगे। और बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में लोग बात करते रहते हैं, जैसे आंवला खाओ, आंवला का जो तेल है उसको लगाओ, बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में लोग बातें करते रहते हैं, बट हम सुनते कहाँ हैं? टाइम किसके पास है इतना सब कुछ करने का? तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करने हैं जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हो, और जो बालों के लिए फ़ायदेमंद जो इंग्रेडिएंट होता है ना उसी से बना हो। तो दोस्तों ऐसे ही एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, ममाज अर्थ। वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाते हैं, ब्रांड भी ऐसा है, ब्रांड ही ऐसा है जिसको जिससे आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो कि हाँ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाता है, उसी के बारे में बात करने वाली हूँ आज। बाल ज़्यादा झड़ते हैं, स्ट्रांग नहीं है, तो आप शैम्पू बदलो, मैं जो बता रही हूँ वो ट्राई करो। ममाज अर्थ का नेचुरल मेथी और रोजमेरी से बना हुआ शैम्पू, ये है ममाज अर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू। ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू के नाम पे दूसरे जो हर्ष केमिकल वाला ब्रांड होते हैं ना उसको यूज़ मत करिए, आप सीधे सीधे ममाज अर्थ को यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आँख मूंद के आप भरोसा कर सकते हो नेचुरल प्रोडक्ट्स बने होते हैं। और उसके साथ साथ एंटी हेयर फॉल शैम्पू है तो मेथी तो होगा ही, मेथी और रोजमेरी दोनों ही एंटी हेयर फॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचुरल इन्ग्रीडियंट है। क्या करता है रोजमेरी? हेयर्स को जड़ से स्ट्रांग बनाती है, और मेथी क्या करता है? हेयर फॉल को रोकती है। तो ये दोनों ही काम ये शैम्पू भी करता है। अगर शैम्पू के नाम पे आप अपने हेयर्स को कुछ हेल्दी देना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कीजिए, अपने आप कम हो जाएगी हेयर फॉल। इसका जो बनावट है विथ रोजमेरी एंड मेथी दाना लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने यूज़ की, हेयर फॉल भी कम हो गया। एंटी हेयर फॉल शैम्पू है और इसका इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स दैट इज़ नीडफुल फॉर योर हेयर फॉल, मेथी। मेथी का तेल आप बाहर से लगा सकते हो, टाइम है आपके पास तो लगाओ, और नहीं तो ये शैम्पू यूज़ करो। रिड्यूस हेयर फॉल एंड हेयर्स को जड़ से भी ये स्ट्रांग बनाता है। आपको मैं प्रोडक्ट पास से दिखा दूँ, ये वाला प्रोडक्ट, स्टार्ट टू यूज़ दिस फ्रॉम नाउ एंड कुछ ही दिनों में आपका जो ये हेयर फॉल की समस्या है जो हर दूसरे लड़कियों को होती है विथ लॉन्ग हेयर, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी और कोई भी हार्मफुल नहीं है, केमिकल इसमें यूज़ किया गया, मैंने इसको यूज़ की, रिजल्ट भी मुझे हाथों हाथ मिला, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अगर आपको फ़ायदे का लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।